राज्यों के सात विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव जारी है। झारखंड के डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। त्रिपुरा की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। त्रिपुरा की धनपुर और बॉक्स नगर सीट पर मतदान जारी है। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर मतदान हो रहा है और वहीं पश्चिम बंगाल के धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। केरल की पुथुपल्ली विधानसभा सीट पर मतदान सुबह से जारी है और ऐसे में सभी जो मतदाता हैं वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छह राज्यों के सात विधानसभा सीटों पर आपको बताएं कि उपचुनाव जो है वो हो रहा है, जिसके लिए सुबह से ही मतदाता जो हैं अपनी अपनी कतारों में लगे, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते मतदान कर रहे हैं और अलग अलग जगह से मतदान की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जिसमें घोसी बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है उसकी तस्वीरें। पुलिस बल जो है वो पोलिंग बूथ पर तैनात किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से हो रहा है, जिसको देखते हुए आपको बताएं कि जगह जगह पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं और इसके अलावा जो मतदाता हैं वो सुबह से ही दरअसल उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह से ही अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ पर जाकर अपने अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह से जारी है। यूपी की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव तो वहीं अन्य राज्यों के भी सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहा है, जिसके दरमियान अलग अलग जगह पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे, जिसमें घोसी में उपचुनाव जारी है इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बागेश्वर में उपचुनाव जारी है, इसके अलावा झारखंड के डुमरी में वोटिंग हो रही है। तो ये तमाम तीन तस्वीरें बताती हैं कि जिस तरीके से जो जनता है वो उत्साहित दिखाई पड़ रही है। ये वाकई लोकतंत्र के लिए बड़ा दिन होता है जब किसी भी क्षेत्र में किसी भी सीट पर चुनाव होता है और ऐसे में आज जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं, बागेश्वर से मेरे साथ मनोज जुड़े हैं, इसके अलावा मेरे सहयोगी राम अवतार जुड़े हैं। तो राम अवतार, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर उपचुनाव हो रहा है और छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। लता जी, आपको बता देना चाहता हूं कि घोसी का जो उपचुनाव है ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का हाई प्रोफाइल चुनाव चल रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। तो भी दारा सिंह चौहान की बात कर लें चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर लें, इन लोगों की भी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत दांव पे लगी है। कारण कि जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तब से समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर शिवपाल ने यहाँ पे डेरा डाल रखा था तो ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ डेरा डाल रखे थे और लगभग 4,30,000 मतदाता आज घोसी के उपचुनाव में सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। चुनाव देखिए समय 12 लगभग बज चुके हैं और लगभग अभी 25% ही मतदान हो पाया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है। कहीं से कोई भी न तो लापरवाही होने की सूचना आ रही है न तो किसी प्रकार की कोई भी। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह का बयान हमने देखा, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जिन जिन इलाकों में जो समाजवादी समर्थक है उनके साथ दरअसल जबरन जबरदस्ती की जा रही है, उनके आधार कार्ड छीनकर, और जो सक्षम नहीं है अपने नामों की स्पेलिंग बताने के लिए उनके नामों की स्पेलिंग पूछी जा रही है, अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है चुनाव को, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लता जी, आपको बता देना चाहता हूं कि कल शिवपाल यादव जो राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उन्होंने आईजी से मिल करके इसकी शिकायत की थी कि वहां पे हमारे मतदाताओं को परेशान किया जाता है। लेकिन जब वो मऊ जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें ऑब्जर्वर ने वहां रोक किया कि अब यहाँ पे नियम कानून के तहत आपको प्रवेश वर्जित है। लेकिन कुल मिला जुला करके समाजवादी पार्टी हमेशा आरोप लगा रही है, समाजवादियों के जो नेता है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है, हमारे मतदाताओं को वोट डालने से उन्हें तरह तरह की
परेशानियां सामने क्रिएट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है प्रतिष्ठा दांव पर, इसलिए चिंतन जो है वो ज्यादा है। बागेश्वर में आऊंगी, बागेश्वर में मनोज किस तरीके का माहौल आप देख पा रहे हैं? हालांकि अब जो है 12 बजे का समय हो चुका है, अब तक कितने प्रतिशत वहाँ पर वोटिंग हो चुकी है, किस तरीके का वहाँ पर लोगों में उत्साह आप देख पा रहे हैं मनोज? है कुछ सुबह से ही लगातार मतदाता पहुंच रहे थे, लेकिन अभी कुछ मात्रा में अभी कम पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही लगातार हर बूथों में हम जाके आए हैं, लेकिन वहां पर कुछ मतदाताओं की संख्या भारी रही है। सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए हर बूथों में पहुंचे हुए हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर को कुछ मतदाता अभी को बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर को थोड़ी ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर को अभी तक बहुत कम लोग पहुंचे हुए हैं। और देखा जाए तो कुछ सुरक्षा की दृष्टि से अभी कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत सहित आईजी कुमाऊं भी यहाँ पर को हर बूथों में यहाँ पर उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, और वो अभी जिले के सभी और बूथों में भी जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से कहीं पर को कुछ गड़बड़ी नहीं, उसके लिए खासा इंतजाम उनके द्वारा किया जा रहा है। और बिल्कुल मनोज, खास इंतजाम जरूर किए गए हो, क्या आपको लग रहा है? आप लगातार जो है ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करते हैं, रिपोर्ट कवर करते हैं, ऐसे में क्या लग रहा है लोगों का मन किस तरफ जा रहा है? क्या वो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं, क्या वो बीजेपी को वोट देने वाले हैं, क्या बीजेपी ने जो सिंपथी कार्ड खेला हुआ है उसका फायदा उनको मिलेगा? किस तरीके का सर्वे आपको दिखाई पड़ा बागेश्वर में अगर आपने देखा तो? जी देखें तो सिंपति कार्ड तो यहाँ पर को देखने को बहुत कम मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम युवाओं से और महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो बेरोजगारी और जो बेरोजगारी और महंगाई बड़ी है उस पर को यहाँ पर को वोट लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे युवाओं से हमने बात करी है, उनके द्वारा साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से बेरोजगारी उन्होंने झेल रहे हैं, उनका दंड से झेल रहे हैं, उस आधार पर वो वोट कर रहे हैं। और महिलाओं का भी खासा तौर कहना है कि जो रोजगार और युवाओं बुजुर्गों का कहना है कि रोजगार को लेके वो वोट कर रहे हैं, और महंगाई से परेशान खापी यहाँ पर को महिलाएं नजर आती हैं, उनके द्वारा साफ साफ कहना है कि महंगाई जो कम हो हम उस तरीके से उनको उस पक्ष में वोट लोगों में जो है लगातार नाराजगी हालांकि दिख रही, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो अलग अलग राज्य में विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव ये चल रहा है, इसमें कौन सी पार्टी को जनता जिताती है, किसको जनाधार देती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का, राम अवतार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनोज आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। रायगढ़ में कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में स्वीप अंतर्गत जिले में मतदाता जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज कल्याण विभाग द्वारा उभयलिंगी समुदाय के मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया गया, जिसमें असीम कृपा फाउंडेशन की भी विशेष सहभागिता रही। इस दौरान उपस्थित उभयलिंगी समुदाय ने मतदान के लिए संकल्प करते हुए शपथ ली है और चला रई गड़िया वोट देवैया का नारा भी लगाया। इस मौके पर उपस्थित जनों को मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बारे में जानकारी दी गई है।